حي على الفلاح. वो मेरी बहनें मेरी बेटियां जो घर में अपने शोरों से परेशान हैं, उनको अजियत देते हैं, परेशान करते हैं, अपने हकूक को अदा नहीं करते, वो ये अमल सुन लें। वो मेरी बहनें इस पर अमल करेंगी इंशाअल्लाह ताला, आपके शोर आप पर मेहरबान हो जाएंगे, आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। रोजाना इशा नमाज पढ़कर अगर 11 बार पढ़ें या लतीफो या वदूदो, 11 बार दुरूशी पहले भी पढ़ें और 11 बार दुरूशी बाद में भी पढ़ें, और 11 काली मिर्च लेकर उस पर दम करके उन मिर्चों को आग में डाल दें। जब मिर्चें जलने लगें तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं, या अल्लाह मेरे शोर को मेरे लिए मेहरबान फरमा दे, या अल्लाह मेरे शोर के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। इस अल्लाह के नाम की बरकत से आपका शोर आप ही मेहरबान हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा। कुछ घर ऐसे होते हैं उनके अंदर अगर ऐसा अमल किया जाए, आप मिर्चे लेके पढ़ के दम करके आग में डालेंगी तो सांस देख लेगी, मदें देख लेंगी, वो कहेंगी घर में जादू कर रही है, तो फिर परेशानी हो जाएगी। वो मेरी बहनें मेरी बेटियां मेरी माएं जो ये अमल ना कर सकें, उनसे अर्ज है को नमाज इशा पढ़कर दोजानों बैठकर अपने शोर का तस्वर करके 101 बार पढ़ें या लतीफो या वदूदो। दुरूशी पहले भी 11 बार पढ़ लें, बाद में भी 11 बार पढ़ लें, और फिर अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं, या अल्लाह मेरे शोर को मेरे लिए मेहरबान फरमा दे, मेरे शोर के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह के कलाम की बरकत से वो घर में इख्तलाफ भी पैदा नहीं होगा, और अल्लाह ताला आपके शोर का आपके लिए मेहरबान फरमा देगा, अल्लाह की रहमत हो जाएगी। अल्लाह रब्बे करीम हमें ये तौफीक अता फरमाए, हम शैतान नफ्स की तालीम पर अमल न करें, बल्कि कुरान और हदीस पर अमल करके अपनी दुनिया आखिरत को संवार लें। वमा तौफीक इल्ला बिल्ला। وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ